वंदे वंदे। कृपया शांत हो जाएं, कृपया शांत हो जाएं। शपथ ग्रहण समारोह प्रारंभ होने जा रहा है, कृपया शांत हो जाएं। यदि माननीय राज्यपाल जी की आज्ञा हो तो शपथ ग्रहण समारोह की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। शपथ विधि प्रारंभ होता है। माननीय राज्यपाल जी की आज्ञा से शपथ ग्रहण समारोह की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। माननीय राज्यपाल जी ने माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्य रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जब तक कि ऐसे मुख्यमंत्री अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करूंगा।
माननीय राज्यपाल जी ने मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्न महानुभावों को उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। श्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा। माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वाहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। दिनेश शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल जी ने मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्न महानुभावों को उत्तर प्रदेश का मंत्री नियुक्त किया है। श्री सूर्य प्रताप शाही, श्री सुरेश खन्ना, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सतीश महाना, श्री राजेश अग्रवाल, श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी, श्री दारा सिंह चौहान, श्री धर्मपाल सिंह, श्री एसपी सिंह बघेल, श्री सत्यदेव पचौरी, श्री रमापति शास्त्री, श्री जय प्रताप सिंह, श्री ओम प्रकाश राजभर, श्री ब्रजेश पाठक, श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, श्री चेतन चौहान, श्री श्रीकांत शर्मा, श्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह, श्री सिद्धार्थ सिंह, श्री मुकुट बिहारी वर्मा, श्री आशुतोष टंडन, श्री नंद कुमार नंदी। माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही, कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं
मैं सूर्य प्रताप शाही ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सूर्य प्रताप शाही ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश के राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री सुरेश खन्ना कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं सुरेश खन्ना ईश्वर की शपथ देता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुरेश खन्ना ईश्वर की शपथ देता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री सतीश महाना कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें।
मैं सतीश महाना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सतीश महाना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समन्वयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री राजेश अग्रवाल कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं राजेश अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगा। मैं राजेश अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं रीता बहुगुणा जोशी ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रीता बहुगुणा जोशी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समग्र निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री दारा सिंह चौहान कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं दारा सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के
संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अटूट रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध हस्तांतरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दारा सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री धर्मपाल सिंह कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं धर्मपाल सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं